तो अभी मैं आप लोग को पेट के बल लेके करने वाला दवा दिया तो दो चार क्या कर रहे हैं पेट के बल भी लेके करवा ही देता हूँ सर जी तब करेंगे आज ही करवा दू। हाँ तो सर सर बोल रहे थे गैस के लिए गैस सर कैसे बनता है आप लोग को बता दें जब आप कर रहे हो सर तो सबसे बड़ी बात है हम लोग जो खाना खाते हैं और ठंडा पानी का सेवन तुरंत करते हैं खाना खाया तुरंत पानी पी लिया अक्सर लोग ऐसा गलतियां करते हैं लेकिन मेरा गुजारिश है इसको आप लोगों से कि बच्चों को जरूर ये बात बताएं कि खाना खाने खाते समय घूट दो घूट पानी ज्यादा पानी का सेवन ना करें क्योंकि हमारे शरीर में अग्नि है तो जो अग्नि है वो खाना को पचाती है और जब हम ठंडे पानी को डाल देते तो अग्नि क्या होती है पूज जाती है जब अग्नि पूज गई तो खाना पचेगा पचेगा नहीं वो सड़ेगा अच्छा सड़ेगा तो गैस बनाएगा एसिडिटी बनाएगा कब्ज बनाएगा शरीर भारी लगेगा तनाव रहेगा सर दर्द करेगा हर तरह की समस्या आपको सामने आ जाएगी अगर कब्ज हो गया तो आपको पेट से जुड़ी हुई सब समस्या है अब टेंशन ले लो तनाव ले लो आपको लैट्रिन सही तरीके से उतरेगी लैट्रिन नहीं हो सकता मेरा दावा है अनुभव किया हो जिस दिन तनाव में आप रहना दूसरे दिन आपको फ्रेश लैट्रिन नहीं होने वाली है क्योंकि हमारे आंखें सिकुड़ जाती है जैसे ही आप तनाव लेते हैं आप जैसे ही कल भी मैं आप लोग को बताया था कि हमारा जो सोचने समझने का जो शक्ति है जैसा सोचेंगे आप नकारात्मक सोचेंगे नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होगी सकारात्मक सोचेंगे सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर पैदा होगी तो हम लोग को पॉजिटिव सोचना है ना सर और जो लोग एंग्जाइटी की शिकायत हो गई जिन लोगों को लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल अब पूछ नहीं सकता अब तो मैं गया इस दुनिया से तो गया लेकिन अगर उस चैन को तोड़ दिए उस नकारात्मक थॉट को तोड़ दिए तो आप जी सकते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं ज्यादा उम्र में भी आप स्वस्थ बने रह सकते उसको कोई शक नहीं मैं दावा करता हूँ मैं अपने अनुभव के अनुसार हमारी भी उम्र कम नहीं है सर जब 50 क्रॉस कर गया तो 54 साल का उम्र मेरा भी है तो 54 साल का तजुर्बा आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कैसा सोचेंगे आपका शरीर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है जिससे आपका जो रक्त स्राव निकलता है जो हार्मोन्स बनते हैं आप वो आपके सोचने से बनते हम जाते हैं अभी यूरिन के लिए तभी तो यूरिन उतरता है हम टॉयलेट के लिए जाते हैं टॉयलेट तभी तो होता है हम सोने के लिए जाते हैं तभी तो सोते हैं तो आप जैसा सोच रहे हैं आपकी जैसी इंद्रियां काम कर रही है हमारा शरीर भी वैसा वर्क कर रहा है हमारे शरीर के अंदर वैसा ही हार्मोन्स क्रिएट हो रहा है तो आप लोग से गुजारिश होगा कि आप लोग सकारात्मक सोच रहे हैं कभी भी सर एक बार कल जो सर बोले थे मैं टूटा फूटा हुआ तो मैं क्यों टूटा फूटा हुआ मैं उसको रिपेयर करूंगा मन से करूंगा अगर मन से रिपेयर कर दिए तो आपका तन भी रिपेयर हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं है सर तो आप लोगों ने बहुत कुछ बताया तो मैं थोड़ा सा पेट के बल लेट करके करा देता हूँ सर बोल रहे थे पेट के लिए तो पेट के लिए कैसे करना है तो जितने शिक्षक के बैठ जाइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में तो ज्यादा अच्छा होगा ज्यादा लोग सीखेंगे ज्यादा लोगों को बच्चे लोगों को आप लोग सिखाएंगे तो पेट के लिए बता रहे थे सर तो मैं पेट के लिए ही बता देता हूँ कि आपने करना क्या है पहले लेट जाना है इस प्रकार से और दोनों हाथों को पीछे रखना लंबा वगैरह सांस लेना है और सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है जितना तेजी के साथ आप करेंगे इस क्रिया को जितना देर करेंगे उतना ज्यादा पुरुषों से आपको मिलेगा करके आपको दिखाने तक देता हूँ दो चार बार कैसे करेंगे जब आगे आते हैं तो सांसों को आपको छोड़ देना है और ज्यादा पेट ज्यादा बढ़े हैं और जल्दी पेट को खत्म करना चाहते हैं पेट के गैस को खत्म करना चाहते हैं तो क्या करना है आपने उत्तान पादान आसन करना है कौन सा आसन करना है उत्तान पादान आसन उत्तान मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ अब पाद मतलब होता है हमारा पैर तो पैर को ऊपर उठाने वाले आसन को हम लोग कहते हैं उत्तान पादान आसन तो उत्तान पादान पाद को उठाएंगे पैर को कैसे उठाएंगे इस प्रकार से उठाएंगे उत्तर पैर को उठा देंगे और सोए रहे ये तो आसान तरीका है ना पेट को कम करने वाला तो ऐसा जब आप करेंगे तो पेट में एक डायब्रेशन होगा तो डायब्रेशन होगा ऐसे ऐसे थिरकन होगा तो जितना थिरकन होगा होने दीजिए और थक जाते हैं तो धीरे धीरे पैरों को नीचे ले करके आइए हाँ सर अच्छा सर तो इस प्रकार से आप करेंगे सर
तो सबसे बेहतरीन आपको होगा, इसको बोलते हैं उत्तान पारणासन। जिनको पेट की समस्या रहती है, जिन लोगों का बड़ा पेट है, टमी है, उसको काटने के लिए ये बहुत बढ़िया आसन हो जाता है। तो अभी हम आपको हलासन करके बताता हूँ, करके देख लीजिए, अभ्यास आप लोग भी करते रहिए सर अभ्यास। तो अभी हलासन कैसे होगा सर? हलासन करने के लिए क्या करेंगे? लंबा वाला सांस लेते हुए दोनों पैरों क्या करेंगे? इस प्रकार रखेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और जितना ले जा सकते दोनों पैर को उधर जमीन में लगा देंगे। पुनः धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, तो इससे भी गैस आपके बहुत जल्दी खत्म होगी। एक में दबाव पड़ेगा तो आपके गैस तो बाहर होंगे। और सबसे बड़ा जो आसन है, जो गैस के लिए बोलते हैं, उसका नाम ही पवन मुक्तासन। क्या है? पवन मुक्तासन, पवन को दूर करने वाला। तो पवन को कैसे दूर किया जाता है? तो क्या करना है? साधारण सी क्रिया, लेट जाए, लेट करके दोनों पैरों को फोल्ड करें और दोनों हाथों का क्लिप इस प्रकार से बनाए और पूरा दबा करके रखें। तो इससे क्या होंगे? आपके गैस दूर हो जाएंगे, जिसका नाम पवन मुक्तासन। तो जिन लोगों का कमर में दर्द रहता है, वो लोग सिर को यहाँ पर नहीं लगाए, और जिन लोगों को कमर में दर्द नहीं है, वो लोग अपने सिर को इतनी लगा दो। और जिन लोग का दर्द है कमर में, वो लोग सिर को सिखा नहीं सकते, तो इससे आपके गैस दूर होते हैं। आप लोगों को जैसा मैं बता रहा हूँ सर, कि गैस से जुड़ी हुई समस्या, मेरुदंड से जुड़ी हुई समस्या, आप लोग बैठे रहे और जो बताया है, कम से कम जो लोग पालथी लगा कर नहीं बैठ सकते वो लोग अपने पैर को लंबा करके बैठ जाएं, पैर को लंबा करके बैठ जाएं। आप लोगों ने बहुत अच्छा अभ्यास किया है और इस अभ्यास का फायदा लेना है और बच्चों को भी सिखाना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल के लिए आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकॉन को इसलिए दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ये जो वीडियो हमने बनाया है, इसका दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग भी मैं बनाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उस भाग को भी मैं देख सकूँ तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ओम।